हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बड़गोती मोड़ी। और दोस्तों, फिर से हम एक न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ आए हैं जो कि एम्स पटना की तरफ से हैं, जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए है। और इसमें बहुत अच्छी बहुत ही खास बात यह है कि 80-20 का रेशियो है नहीं इसके अंदर, मतलब नहीं है। और मैं इसमें वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको कम्प्लीटली इस वैकेंसी की रिगार्डिंग या अनदर वैकेंसीज होती है उनकी रिगार्डिंग PDF वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा हो जैसा कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ ग्रेड 5 की वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात करें तो इसमें पे ग्रेड क्या रहने वाली है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जो 47,600 से 1,54,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग होनी चाहिए या पोस्ट BSc नर्सिंग होना चाहिए। उसके साथ में आपके जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल हैं या इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और साथ में आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 100-बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करें तो 21-35 ईयर इसकी एज क्राइटेरिया रखा गया है। और नंबर ऑफ वैकेंसी 127 है, इसमें 53 जनरल है, EWS 12 है, OBC 34 है, SC 19 है और ST की 9 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 127 है। इसमें ऑल कैटेगरी आएगी सब्जेक्ट की, जिसमें सब कुछ की इंक्लूड होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होगा और साथ में स्किल टेस्ट भी होगा इसके अंदर। ये इसमें एक एडिशनल चीज़ है कि इसमें स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो इसमें कंप्लीट डिटेल दे रखी है यहाँ पे। और इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें लास्ट डेट की बात करें तो आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, जैसा कि इसमें शो रखा है कट ऑफ डेट, यानी कि आपकी जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जब स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 तारीख से स्टार्ट होगा ये फॉर्म, 1 अक्टूबर से, उससे लेकर 15 दिन के अंदर अंदर इसको फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद ये साइट पे यहाँ पे इसका पोर्टल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें फीस की, तो जो OBC कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, उनके लिए 1500 रुपये की गई है। ST SC कैंडिडेट है उन और EWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है। और आपको इसको पे करना है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जिससे पे कर सकते हो उससे कर सकते हो। और आपको यहाँ पे मेंशन हो रखा है थर्ड नंबर का पॉइंट है, जो कि एप्लीकेशन फीस वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि आपकी फीस रिफंड होने वाली नहीं है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप स्क्रीन देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो भी क्राइटेरिया है वो मैंने वन एक्सप्लेन कर दिए। और मैं इसके आगे बताने वाला हूँ कि इसमें कुछ स्पेशल क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आगे बात करें तो जैसे कि EWS कैंडिडेट को कितना यहाँ पे रिजर्वेशन रहने वाला, 10%, जो कि सभी को बताया एक चीज़ तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग रखा गया है उसमें। और पेपर की बात करें तो 3 आर्स का रहने वाला है, जिसके अंदर एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये जो ऑल ओवर नर्सिंग सब्जेक्ट है ये रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। आगे ये जो कम्प्लीट इसका सिलेबस शो रखा है यहाँ पे, सारे क्राइटेरिया जिसमें शो रखे हैं। और इसका जो मेन एग्जाम एग्जामिनेशन मोड की बात करें कि कौन सा होने वाला, CBT मोड होने वाली है। और डेट ऑफ ऑनलाइन मोड की, एग्जामिनेशन मोड की, वो आपको आगे पता चल जाएगी। और सिटीज़ की बात करें तो इसमें कि इंडिया की जो मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और इसको आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट है www.aimspatna.edu.in पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से जो भी डिटेल है आपको यहीं से मिलेगी, और जो मोर इन्फॉर्मेशन न्यू जो इन्फॉर्मेशन आएगी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड वगैरह आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ये इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ला सकते हो। अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हो और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और इस वैकेंसी से रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसमें नहीं मिल पाई, और आप फीस पे करते टाइम पे कुछ इशू आ जाता है, उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे जिसकी ऑफिशियल मेल है requirement@aimspatna.org पे जाके आप इसको मेल कर सकते हो, और जो भी आपकी इंक्वायरी होगी वो यहाँ से क्लियर की जाएगी, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप हमें ये जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।